यार दोस्तों, हम सभी में से हम सभी का सपना रहता है कि यार हम हमारा खुद का ऐप बनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना खुद का एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं और प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं। यदि आप प्ले स्टोर पर या गूगल पर सर्च कर करके थक गए हैं कि ऐप कैसे बनाएं, न्यू ऐप कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट एन ऐप, तो आज मैं आपको फुल स्टेप बताऊंगा और वो भी आप अपना ऐप अपने मोबाइल से बना सकते हैं, वो भी जस्ट 5 मिनट में। तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है और उसे प्ले स्टोर पे अपलोड करके एडवर्टाइजमेंट से आप यार कमाई कर सकते हैं, वो भी लाखों में। तो सबसे पहले आपको इसके लिए गूगल पर जाना है, गूगल क्रोम को आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहां पर लिख देना है क्विक ऐप निंजा। इतना लिखने के बाद ये जो पहली वेबसाइट आपको आएगी इस पर ही आपको टैप कर देना है। तो आप इस टाइप से स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। यहां पर लिखा है कि क्या आप अपना एंड्रॉइड ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, एंड्रॉइड गेम क्रिएट करना चाहते हैं और वो भी विदाउट कोडिंग, विदाउट कोडिंग नॉलेज के आप अपना जो है गेम ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर उसको क्रिएट करके गूगल प्ले स्टोर पर हम अपलोड करने वाले हैं। अगर आप देखें तो यहां पर 3 इजी स्टेप है। आपको सिंपल विजार्ड यहां पर क्रिएट करना है, उसके बाद प्ले स्टोर पर पब्लिश करना है और एड लगाना है, उससे आपकी अर्निंग होगी और सीधे एड नेटवर्क से आप पैसा कमाएंगे। तो 4 इजी स्टेप से आप यार अपनी खुद की लैंग्वेज में, क्योंकि 20 से ज्यादा लैंग्वेज है जिसमें ऐप क्रिएट किया जा सकता है और यहां पर क्लोन फीचर भी इन्होंने दिया है, यानी कि एक ऐप को मल्टीपल ऐप में आप क्लोन बनाकर वापस अपलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। यहां पर मीडिया पैक आपको दिया गया है, अलग अलग स्क्रीनशॉट, फीचर, बैनर, गेम आइकॉन जिसको आप यूज कर सकते हैं, आइकॉन बिल्डर यहां पर दिया गया है जिससे आप आसानी से अपने खुद का आइकॉन बना सकते हैं और क्लाउड गेम जैसे कई फीचर यहां पर है और टोटली सबसे खास बात 100% फ्री है, एक रुपया भी आपका खर्चा नहीं लगना है। तो आपको जस्ट यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, बाद में समझेंगे। सबसे पहले क्रिएट गेम पर हम क्लिक करते हैं। इस ऐप की लिंक, इस वेबसाइट की लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगा, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ठीक है, वहां से जाना है। तो सबसे पहले आप चाहे तो मैन्युअली ये चीजें डाल सकते हैं और रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं या फिर गूगल से आ सकते हैं। मैं यहां पर मैन्युअली नाम, मेल आईडी, पासवर्ड रख लूंगा और रजिस्टर पर क्लिक करता हूं। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जो क्रिएट न्यू गेम की जो टेम्पलेट है उस पेज पर हम आ चुके हैं। आपको एक सजेस्ट दूंगा कि सबसे पहले आप क्या करना, ये 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी जो स्क्रीन है उसे डेस्कटॉप मोड पर कर लेना। जैसे अभी मेरी डेस्कटॉप मोड पर नहीं है लेकिन ये जो स्क्रीन आ रही है डेस्कटॉप मोड पर ही दिख रही है, उससे क्या आपका जो ऐप क्रिएट जल्दी आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे ऊपर बहुत सारे फीचर है, आप यहाँ पर टैप करना है क्रिएट न्यू गेम, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 नए ऑप्शन यहां पर शो हो जाते हैं। फर्स्ट में है गेस द पिक्चर और सेकंड में है टाइटल, तीसरे में है पिक द वर्ड। यहां पर हम एक गेम वाला ऐप बनाना सीखेंगे क्योंकि आज के टाइम पे इसका काफी क्रेज है। आप प्ले स्टोर पर अगर कोई सा गेमिंग ऐप अपलोड करते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा व्यू आने के चांसेस होते हैं, तो यह सीखेंगे। इसके बाद और मल्टीपल अगर आपकी रिक्वायरमेंट है अलग टाइप के ऐप बनाने की, गेम बनाने की, तो वो भी हम सीख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है कि आपको किस टाइप का गेम बनाना, यानी कि पिक द वर्ड आपको ये पिक करना है पिक्चर, या फिर इस टाइप से टाइटल आपको देना है और मूर्ति आदि दिखेगी उसको पहचानना है, गेस करना है, या फिर गेस द पिक्चर की पिक्चर गेस करना है किस टाइप का। तो हम यहाँ पर जैसे सबसे पहले फर्स्ट वाला ही चूज कर लेते हैं। यूज दिस टेम्पलेट फर्स्ट वाले पर हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर लोडिंग साउंड, लोडिंग गेम सेटिंग हमारी हो रही है। थोड़ा सा क्रिएट यूर गेम इन 5 मिनट लिखा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। सेटिंग लोड हो चुकी है और इस टाइप से हमारी चीजें यहाँ पर आ चुकी है। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं तो देखिए पूरा यहां पर बताया गया है किस टाइप से चीजें करना है। मैं गॉट इट कर देता हूं। आपको सबसे पहले चूज कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज क्या रखना है, वैसे मल्टीपल लैंग्वेज आपको यहां पर मिल जाएगी। अभी मैं इंग्लिश ही यहां पर रहने देता हूं और इसको यहां पर ओके कर देता हूं। इसके बाद यहां पर आपको देखिए यहां पर आपका जो वीडियो फर्स्ट लेवल जो है इस टाइप से अपलोड फर्स्ट लेवल इस टाइप से देखेगा आपका ऐप का, और यहाँ पर आप गेम क्वालिटी मोड अर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बल्क इमेज अपलोड करना है, उसके बाद टेक्स्ट अपलोड करना है। अभी जो हम यहाँ पर एक टाइप से
जो मतलब गेस वाला जो ऐप है, गेम है, वो बना रहे हैं। अगर दो तीनों टाइप के ऐप बनाने हैं तो आप कमेंट्स करना, मैं उनके ऊपर भी अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि उससे कैसे हम ऐप क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, और इसी के बगल से आपको ऊपर डिजाइन, कंटेंट, साउंड, आइकॉन, सेटिंग और मोनेटाइज, ये चार ऑप्शन है। तो हम लेवल एक एक करके हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। जैसे अभी हम कंटेंट पर क्लिक करते हैं, कंटेंट यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक इमेज अपलोड करना है, तो इमेज पर हम सिंपल ब्राउज करते हैं। अब हम किस टाइप का यहाँ पर जो है क्विज बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मैं सिंपल एक मोदी जी की तस्वीर यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और सिंपल एक क्विज यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ। अब जैसे ये एक प्रकार सा पहचानने का वाला ऐप है जिस पर आपको पहचानना पड़ता है चित्र को। अब जैसे ये मोदी जी की मैंने फोटो लगा दी, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन और उसका कंटेंट योर आंसर डालना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन डालता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया हु आर धीज, यहाँ किसकी पिक्चर है, ठीक है, ये कौन है, और यहाँ पर आंसर मैं डाल देता हूँ, ठीक है, मोदी। और इसके अलावा आप और भी ऑप्शन ले सकते हैं, तीन चार ऑप्शन। और इस टाइप से जैसे आप यहाँ पर नाम डालेंगे जो है, इमेज हमारी इस ऐप में आ चुकी है, ठीक है। और इस टाइप से आपका लेवल वन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको जो साइड से स्क्रीन है, कहीं पर भी आपको इस जगह पे इस जगह टैप करना है तो नई स्लाइड आपकी ओपन हो जाएगी। हमें चार ऑप्शन देने रहते हैं, तो यहाँ पर भी हम फिर से अपलोड पर क्लिक करेंगे, इस वाले अपलोड पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड पर हम फिर से एक नई इमेज यहाँ पर चूज कर लेंगे, जैसे कि ये ओपन होती है, एक मिनट, ये ओपन हो गई। अब इसमें से हम कुछ भी ये जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन लिख देते हैं, हु आर धीज, ठीक है, और करेक्ट आंसर थंबनेल, ठीक है, और ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। और इसके बाद साइड से आपको कहीं पर भी खाली जगह पर टिक करना है। जैसे मैंने टिक करा और यहाँ पर नई इमेज आ गई, और देखिए ये सेकंड ऑप्शन लेवल टू आ चुका है। इसी टाइप से लेवल थ्री पर आपको इमेज चूज करना है और क्वेश्चन का नाम डालना है और आंसर का नाम डालना है। और इस टाइप से आपका जो है ये क्विज यहाँ पर कंप्लीट होगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन, चार ऑप्शन आपको देना है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जनरेट गेम, इस पर क्लिक करके गेम को जनरेट करना है। तो हम फिर से अपलोड कर देते हैं, चारों इमेज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर चार इमेज हमारी आ चुकी है। इसी टाइप से आपको लेवल यहाँ पर बढ़ाते जाना है। और इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिखा है जनरेट गेम, यहाँ पर आप जनरेट करेंगे तो गेम जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट 20 लेवल आपको कंप्लीट करना है इस गेम में, 20 लेवल कंप्लीट करेंगे तब जाके ये जनरेट गेम का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और आप सिंपल इसको जनरेट कर लेना। तो आपका जो गेम है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और एक बार जनरेट होने के बाद फिर आप यहाँ पर जो मोनेटाइजेशन की सेटिंग है वो इनेबल कर सकते हो, और फिर जो एड मोव है, एड मोव पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको मोनेटाइज के लिए एड लगाकर जो एड से अर्निंग हो रही है वो एड मोव एडवर्ड की मदद से अपने बैंक खाते में पैसे को निकाल सकते हैं। अब देखिए पैसे की अर्निंग कैसे होती है, प्ले स्टोर पर अपलोड कैसे करना है, इसके ऊपर मैं और किसी सेकंड पार्ट इसका लेकर आऊंगा। आप मुझे कमेंट्स करना तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। अभी देखना चाहता हूं इसके ऊपर कितने व्यू आते हैं, उस हिसाब से मैं मेहनत करूं, अन्यथा कोई मतलब का नहीं है। तो आपका लाइक और आपके कमेंट्स बताएंगे कि हाँ मुझे सेकंड पार्ट इसका लेके आना चाहिए। तो उसमें हम प्ले स्टोर पर अपलोड करना और दूसरा मोनेटाइज करना, एड मोव पर एड लगाना सीखेंगे, ठीक है। और इसको अपलोड करके कमाई कैसे होती है, देखिए ये एक प्रकार का गेम है। अब जब भी कोई प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करेगा और जब खेलेगा तो वहां पर ये इमेज दिखेगी अलग अलग टाइप की, और पूछा जाएगा हु आर धीज, ये कौन है, तो वो अगर सही जवाब पता होगा तो मोदी लिख देगा तो मोदी राइट आंसर हो जाएगा, और अगर उसने गलत लिखा तो गलत आंसर हो जाएगा। अभी मैंने क्या यहाँ पर जो भी मुझे मेरे पास इमेज थी वो लगा दी, आपको क्या करना है, मोदी जी का लगा दिया, सचिन तेंदुलकर का लगा दिया, सो आपका धोनी का लगा दिया, विराट कोहली का लगा दिया, किसी की भी इमेज लगा सकते हैं, कोई फिल्म स्टार है उसका फोटो लगा दिया, तो आपके ऊपर है। और इस टाइप से आपको फ्रूट का भी लगा सकते हो, जानवर का लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा है उसका फोटो लगाकर लोग खेलेंगे, और बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आएगा, उससे आपकी कमाई होगी और जो मोनेटाइजेशन से होगी, और फिर एड मोव की मदद से वो पैसा सीधे खाते में आएगा और खाते से आप कमा लोगे।
तो इस टाइप से यार क्विक ऐप निंजा से आप अपना ऐप क्रिएट कर सकते हैं, गेम क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल प्ले स्टोर की मदद से और एड मो की मदद से मोनिटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो एंजॉय किया होगा। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट्स करना, तब आएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।